वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आपको याद होगा कि आज से 2 साल पहले मेंटेनेंस के केसेस में जो आदेश होते थे उन आदेशों में बहुत विभिन्नता रहती थी। विभिन्नता इस बात पर रहती थी कि किसी कोर्ट के द्वारा एप्लीकेशन जो 125 के तहत कोर्ट में केस किया जाता है तो केस करने की तारीख से आदेश पारित किया जाता था। कुछ कोर्ट के द्वारा डेट ऑफ ऑर्डर से आदेश पारित किया जाता था कि जिस दिन आदेश हो रहा है उस दिन से मेंटेनेंस देना होगा। ये अलग अलग जजमेंट आते थे, कोई सेटल लॉ नहीं था। अलग अलग हाई कोर्ट के भी इस मामले में अलग अलग दृष्टिकोण रहते थे, कहीं मुकदमा दाखिल करने की तारीख से, कहीं आदेश की तिथि से भरण पोषण के आदेश हुआ करते थे। 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस डिसाइड किया जाता है, रजनेश वर्सेज नेहा। उस केस की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है और उस केस में इस सारे डिस्प्यूट को, कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाता है और एक सेटल प्रिंसिपल लेट डाउन किया जाता है कि मेंटेनेंस का ऑर्डर कोई भी कोर्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही करेगी। जिस दिन 125 की एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल की जा रही है या किसी और कानून के तहत मेंटेनेंस के लिए क्लेम किया जा रहा है किसी भी कोर्ट में, तो जिस तारीख को वो एप्लीकेशन दाखिल की गई उसी तारीख से मेंटेनेंस का आदेश पारित किया जाएगा। साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बहुत ही लेटेस्ट अभी 10 मई के एक महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ और यह जजमेंट रजनेश नेहा के जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए हैं उस प्रिंसिपल को फिर से इंटरप्रिटेट किया गया है इस जजमेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेंच के द्वारा। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। साथियों, सबसे पहले बहुत ही ब्रीफ में केस के फैक्ट देख लेते हैं। ये सहारनपुर का मामला था। एक महिला के द्वारा 125 CRPC के तहत मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है फैमिली कोर्ट में। प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट के द्वारा 7,000 रुपया पर मंथ का आदेश दे दिया जाता है मेंटेनेंस का 19/11/2022 को, और यह जो ऑर्डर किया जाता है मेंटेनेंस का वह फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर से किया जाता है। जिस दिन आदेश पारित किया गया उस दिन से 7,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा मेंटेनेंस, ये आदेश पारित किया जाता है। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट और बता दूं, हस्बैंड के द्वारा कहा गया था उस मेंटेनेंस के केस में कि उसकी जो वाइफ है, उसकी वाइफ के उसके छोटे भाई, सगे छोटे भाई के साथ इलिसिट रिलेशन है, अवैध रिश्ते हैं, और इन अवैध रिश्तों के चलते दोनों भाइयों में जो रिश्ते हैं उनमें भी डिस्प्यूट आ गया है, प्लस छोटे भाई की जो पत्नी है उन दोनों में भी झगड़ा पैदा हो गया है, छोटे भाई की पत्नी के द्वारा तलाक का मुकदमा भी दाखिल किया गया है। उस तलाक के मुकदमे में कोर्ट ने 15,00,000 रुपया एलिमनी का ऑर्डर पारित किया है छोटे भाई की बीबी के लिए, और चूंकि मैं बड़ा भाई हूं, हस्बैंड के द्वारा कहा जाता है ट्रायल कोर्ट में कि चूंकि मैं बड़ा भाई हूं इसलिए उस 15,00,000 रुपए को मुझे देना पड़ा अपने भाई को, जिसमें से 9,00,000 मैंने अकाउंट से दिया अपने और 5,00,000 रुपया दूसरे तरीके से दिया। साथ ही साथ कहा जाता है कि पूरे घर की बड़ा होने के नाते मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। इस अपनी पिक्यूलियर पोजीशन को बताते हुए कोर्ट में ये आर्गुमेंट किया जाता है, हालांकि हस्बैंड सब इंस्पेक्टर के पद पे तैनात था। तो इन सारी बातों को देखते हुए फैमिली कोर्ट के द्वारा डेट ऑफ ऑर्डर से 7,000 रुपया पर मंथ मेंटेनेंस का आदेश पारित किया जाता है। अब इस आदेश के खिलाफ पत्नी हाई कोर्ट पहुंचती है और हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिविजन दाखिल करती है। तो देखते हैं कि हाई कोर्ट में क्या होता है। साथियों, फैमिली कोर्ट प्रिंसिपल जज सहारनपुर के इस मेंटेनेंस के आदेश के खिलाफ पत्नी के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जाता है। क्रिमिनल रिवीजन नंबर 1165/2023 10 मई 2023 को इसमें जजमेंट हुआ। श्रीमती रंजीता इलियाज रविता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। और क्रिमिनल रिवीजन में 2 इशू रेज किए जाते हैं। पहली बात यह कही जाती है कि फैमिली कोर्ट प्रिंसिपल जज सहारनपुर ने जो आदेश किया मेंटेनेंस का डेट ऑफ ऑर्डर से, वो गलत किया। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है रजनेश वर्सेज नेहा के केस में जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए हैं उस प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। ये डेट ऑफ एप्लीकेशन से होना चाहिए, डेट ऑफ ऑर्डर से नहीं होना चाहिए, पहला इशू ये उठाया जाता है। दूसरा इशू उठाया जाता है कि हस्बैंड सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है, ही इज गेटिंग मोर देन 47,000 सैलरी पर मंथ। इन परिस्थितियों को देखते हुए, उसके इनकम को देखते हुए, जो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस 7,000 पर मंथ वो बहुत ही कम है,
लिहाजा मेंटेनेंस की धनराशि को बढ़ाया जा, ये दो सवाल उठाए जाते हैं। अब हस्बैंड के एडवोकेट के द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष आर्गुमेंट करते हुए उन सारी बातों को दोहराया जाता है जो फैमिली कोर्ट के समक्ष कही गई थी, रिश्तों के बारे में, अवैध रिश्तों के बारे में, एलिप छोटे भाई की बीबी को एलिमनी के बारे में। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि छोटे भाई और उसकी पत्नी दोनों लोगों ने मिलकर मारपीट की, जिसमें 307 का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें उसकी पत्नी को जेल जाना पड़ा। ओवरऑल इन सारी बातें कहते हुए ये कहा जाता है कि सारी परिस्थितियों का विक्टिम तो खुद यानी हस्बैंड ही बना, पीड़ित तो हस्बैंड ही है और अपनी पत्नी के कंडक्ट की वजह से पीड़ित है। आपस में भाई भाई के रिश्ते खराब हो गए वो अलग, आर्थिक रूप से परेशानी झेलनी पड़ी वो अलग। इन सारी बातों को देखते हुए पहली बात ये कही जाती है कि वाइफ को इन परिस्थितियों में मेंटेनेंस लेने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात ये कही जाती है कि अगर मान भी लिया जाए मेंटेनेंस लेने का अधिकार है तो 7000 पर मंथ अप्रोप्रिएट ऑर्डर है मेंटेनेंस का। एक बात और हस्बैंड के द्वारा कही जाती है कि मैं अपनी इकलौती पुत्री का भी पालन पोषण कर रहा हूं। इस तरीके से क्रिमिनल रिविजन को डिस्कस करने की मांग की जाती है। दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद देखते हैं कि हाईकोर्ट के द्वारा फाइनली क्या जजमेंट दिया जाता है। साथियों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा दोनों पक्षों की डिटेल में आर्गुमेंट सुनने के बाद, फैमिली कोर्ट के जजमेंट को डिटेल में एनालिसिस करने के बाद महत्वपूर्ण बात कही जाती है। पहले तो ये कहा जाता है कि इस जजमेंट में ट्रायल कोर्ट ने सारे पिक्यूलियर फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस का अच्छे से उल्लेख किया है। दूसरी बात, रजनीश नेहा के जजमेंट को इंटरप्रेट किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि अपेक्स कोर्ट इन रजनीश नेहा केस हैज नॉट कंप्लीटली ब्लॉक्ड द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द ट्रायल कोर्ट इन ग्रांटिंग द मेंटेनेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इन केस देयर आर सर्कमस्टांसेस एंड रीजंस फॉर डूइंग द सेम। महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि जहां कहीं पर परिस्थितियां और कारण हैं कि आदेश आदेश की तिथि से दिया जाए, वहां पर रजनीश नेहा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के स्वविवेकाधिकार के जो पावर हैं उन पावर को पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं किया। अगर ट्रायल कोर्ट के पास इस तरीके का कोई रीजन और कोई परिस्थितियां मौजूद हैं कि इसमें फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर से मेंटेनेंस का आदेश करना चाहिए, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन से नहीं करना चाहिए, तो ट्रायल कोर्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर से भी मेंटेनेंस का आदेश पारित कर सकती है। यह एक महत्वपूर्ण इंटरप्रिटेशन किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा। साथियों, तो दोस्तों एक नया प्रिंसिपल यहां पे आप लेट डाउन कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। अगर आप लोगों का इस तरीके का कोई केस चल रहा है तो आप इस जजमेंट का फायदा ले सकते हैं। इस जजमेंट से आप कहां तक सहमत है कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।